ये देखो रोशनी आम तोड़ रही है, वो पौधे से कोशिश करिए, शायद उसको एक मीठा आम मिला है वहाँ पे, और वो ट्राई करिए तोड़ने की। यही तो एक बेस्ट चीज़ है गांव में छुट्टियों में आने की। अगर आपके आंगन में आम का पेड़ है और आम खाने का मन कर रहा है, तो आप अपने आंगन से ही तोड़ सकते हो। वो देखो कब से ट्राई करिए, उसको एक पक्का आम मिला है, वो उसको मार रही है पर उससे टूट नहीं रहा है। उसने देखा कि मम्मा पीछे खड़ी है, बोलते मम्मा प्लीज़ थोड़ा आओ ना, मेरी हेल्प करो थोड़ा आम तोड़ने की। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी आपकी मदद करती हूँ। ये देखो मैं भी डंडे से आम को मारने लगी हूँ, क्योंकि अगर आम पक्का है तो वो फटाक से गिर जाएगा। और ये देखो मेरे डंडे से जैसे मैंने उसको मारा गिर गया। मैं बोले देखो मैंने आम तोड़ दिया, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि देखो मैंने इतना, मतलब कि एक ही बार में मैंने आम को यू नो मार दिया और मार के गिरा दिया, देखो आम गिर गया। रोशनी बोलेगी लो मम्मा मुझे आम मिल गया, इसको मैं बैठ के खाती। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा चलो एक आम तो मिल गया, मैं एक और आम ट्राई करती हूँ। तो ये लो मैं एक और आम तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, फर्स्ट में सक्सेसफुल हो गई तो दूसरा भी तोड़ ही रही हूँ। और पक्के आम है तो आप उसको जस्ट टच करोगे तो गिर जाता है। ये देखो मुझे एक पक्का आम दिख रहा है यहाँ पे, वो हल्का सा लाइट ग्रीन है तो पता चल जाता है कि वो आम पक्का हुआ है करके। और देखो ये आम भी मैंने तोड़ दिया। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, मैं सबको बता रही हूँ देखो मैंने दो दो आम तोड़ दिए हैं सब। और ये देखो मैं बोल रही हूँ देखो अब लेट मी ट्राई, देखती हूँ कैसा है आम। मुझे पक्के ही हैं क्योंकि रसीले तो हैं ही आम, बहुत अच्छे आम हैं। रोशनी तो धो के खाना भी शुरू कर दिया, बोलती हाँ मामा बहुत ही जूसी और मीठे आम है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दूसरा आम आपको काट के दिखाती हूँ कि ये पक्के है या नहीं है। ये देखो कितने येलो और मीठे पक्के आम है, टेस्ट भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है। बाय।